Krishna, Jai Radhe Krishna, Jai Laddu Gopal. Hello my dear friends. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरी भक्ति मेरे भाव. एंड मैं हूँ आप सबकी दोस्त जो आई हूँ वापस आपकी लाइफ और भी सुंदर और ब्यूटीफुल बनाने के लिए अच्छे अच्छे इंस्पिरेशनल टिप्स के साथ. तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी यह वीडियो एक पहले वाली वीडियो डाली थी दोस्तों, जहाँ पर मैंने मेंशन किया था हमारा वैलेंटाइंस वीक सीरीज शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द. और जिस किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है बहुत ज़्यादा सुंदर, चाहिए अच्छे अच्छे इंस्पिरेशनल टिप्स और एंटरटेनमेंट और अच्छी अच्छी बातें, मोटिवेशन से भरी हुई बातें जो आपको देगी एक बूस्ट लाइफ में, अपनी जीवन को एक डिफरेंट नज़रिए से देखने के लिए, ताकि आपकी लाइफ बन जाए और भी ज़्यादा बेटर, सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल. तो दोस्तों, आज का पहला वीडियो जो है वो वैलेंटाइन वीक सीरीज़ का वो यही है दोस्तों. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 7th February 2021. यस माय डियर फ्रेंड्स, तो आज वैलेंटाइंस वीक सीरीज़ में हमारा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, एक सीक्रेट. और इस सीक्रेट को अगर आप फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, एज अ टिप यूज़ करेंगे, यह उपाय अगर आप फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ बन जाएगी और भी ज़्यादा बेहतर और सुंदर. तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन इसके पहले ज़रूर बोलना चाहूँगी दोस्तों कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना. अगर बनाना चाहते हैं सचमुच में अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड वह सीक्रेट जानकर हासिल करना चाहते हैं जो आपको चाहिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो व्हाट इज़ दैट सीक्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विशिंग यू ऑल माई डियर फ्रेंड्स आउट देयर अ वेरी वेरी हैप्पी रोज डे. जी हाँ दोस्तों, आज है 7th February 2021 एंड आज है रोज़ डे, रोज़ डे स्पेशलिटी. जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोज़ेस महकाते हैं हमारे जीवन को. तो हम भी कुछ ऐसा करेंगे, एक सीक्रेट अब आजमाएंगे हमारे लाइफ में, जो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा महका देगी. तो क्या है वह सीक्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो माय डियर फ्रेंड्स, सीक्रेट बहुत ही सिंपल है. शायद आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड्स को मेरे पता भी होगा वह सीक्रेट क्या है. इट हैज़ गॉट 3 कंटेंट्स, यानी कि 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अगर आप पाना चाहते हैं आपके लाइफ में डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर. जी हाँ दोस्तों, हर एक लड़की का सपना होता है कि उसको एक अच्छा सा, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी क्यूट सा, बहुत समझदार, बहुत ही नेक, फरिश्ता जैसा हस्बैंड मिले. इज़ दैट रियली पॉसिबल? वाई नॉट? ऑफकोर्स इट इज़ पॉसिबल. देखिए दोस्तों, हम जैसा अपनी लाइफ को देखते हैं वैसे ही हमारी लाइफ बन जाती है. ये मैं बहुत सारे वीडियोज में मेरे कह चुकी हूँ, रिपीट कर चुकी हूँ. तो आज इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत और कुछ डिटेल्स. 3 चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं. एक है आस्क, यानी कि मांगना. दूसरा है बिलीव, यानी कि यकीन करना, विश्वास रखना. एंड तीसरा है रिसीव, यानी कि जो आपने मांगा है उसे पाना. बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ और विश्वास के साथ आपको इस टिप को फॉलो करना पड़ेगा. अगर चाहते हैं पाना आपने लाइफ में डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर, सिर्फ डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर की ही बात नहीं है, यह है बहुत सारी उन चीज़ों की भी बात जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं. एंड दैट इज़ रियली वेरी सिंपल. जैसा कि ऑलरेडी वैलेंटाइन वीक सीरीज हमारा शुरू हो चुका है, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगी मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस किस तरह से मैंने पाया है मेरे डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर को. जी हाँ दोस्तों, हाउ डिड आई मैनिफेस्ट माई डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर. एंड आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट, प्लीज़ डू शेयर इट विथ अदर्स ऑल्सो. डू शेयर द वीडियो विथ अदर्स ऑल्सो, लेट एवरी वन अंडरस्टैंड व्हाट द सीक्रेट इज़. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम सीक्रेट जानते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं. एक रीज़न हो सकता है कि हमें पता नहीं होता है, एक रीज़न और भी हो सकता है कि हमें विश्वास नहीं होता है. लेकिन जब तक आप अच्छी चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कैसे करेंगी? सही कहा ना? डेफिनेटली सही कहा.
तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जो कोई भी इस टिप को फॉलो करेंगे उसे लिखना कि आज से आप यह टिप फॉलो करेंगे करके। इसे शायद कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा पक्का आपका यकीन, आपका विश्वास होगा, उतने ही जल्दी आप रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिलीव करते हैं इसमें या नहीं करते हैं, लेकिन एक बात तो आप लोगों को जाननी पड़ेगी और वह यही है कि यह ज़रूर 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 नॉट 100 and 200 बट 1000% काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, तीन चीज़ें जिन पर आपको रखना पड़ेगा यकीन। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ऐसा तो नहीं होगा, लोग ये कहते हैं कि आजकल के लड़के अच्छे नहीं हैं, लोग ये कहते हैं कि किसको अच्छा मिलता है किसको नहीं मिलता है, सब नसीब की बातें हैं। लेकिन हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी माय डियर फ्रेंड्स? यू योर सेल्फ आर द क्रिएटर्स ऑफ योर डेस्टिनी, मार्क माय वर्ड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद हो अपनी नसीब के मालिक, यानी कि आप खुद हो अपने नसीब के कर्ता धर्ता, क्रिएटर। यस, जो भी आप लाइफ में स्टेप्स लेते हैं वो कन्वर्ट होके बन जाती है आपकी डेस्टिनी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छी आदतें खुद में डालना सीखिए, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा देखिए, अच्छा अच्छा सुनिए, अच्छा अच्छा बोलिए, और फिर देखिए हाउ ऑल दिस ब्यूटीफुल कर्माज ऑफ योर्स इज गोइंग टू गिव यू ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, यह सारे जो आपके कार्य हैं लाइफ में, अच्छे अच्छे कर्माज जो आप करते हैं, वह आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। यकीन नहीं आता है तो आजमा के देखिएगा, वेरी सिंपल सा प्रोसेस है। तो अभी चलते हैं थोड़ा बहुत डिटेल में आस्क, बिलीव एंड रिसीव के बारे में। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको लेनी है एक डायरी, और उस डायरी में आपको लिखना है कि आप क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं मतलब आप लिखिए, एवरी डे बेसिस पर आप लिखिए कि आपको, एग्जाम्पल अभी यहाँ पर हम बात करें वैलेंटाइन सीरीज की, वैलेंटाइन वीक सीरीज की बातें कर रहे हैं, तो नेचुरल लाइफ, एक अच्छे लाइफ पार्टनर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, तो वह सारी क्वालिटीज़ जो आपको अपने पार्टनर में चाहिए वह आपको उस डायरी में लिखनी पड़ेगी। अगर करना चाहते हैं आज से शुरू तो कीजिएगा अभी से शुरू, और लिखिए, डायरी पेन लीजिए और लिखिए आपको अपने लाइफ पार्टनर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए। वह आराम आराम से एक एक करके लिखिए, और जब आप वह लिखेंगे तो उसे फील कीजिएगा अपने ईश्वर पर पूरा, यानी कि विदाउट एनी सिंगल डाउट इन योर माइंड एंड हार्ट, पूरा यकीन के साथ, यानी कि पूरा विश्वास के साथ अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि आपने जो जो लिखा है वह आपको चाहिए। उनसे मांगिएगा, जब तक मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा कैसे? सही कहा ना, जब आप किसी शॉप पे जाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, किसी शॉप पे, किसी दुकान पर, कहीं मॉल में जाते हैं, जब तक आप उस इंसान से नहीं मांगते हैं जो आपको चाहिए, उस इंसान को कैसे पता चलेगा कि आपके मन में है क्या, आपको कौन सी चीज़ चाहिए? आपको जो भी चाहिए वह ऑर्डर आपको प्लेस करनी पड़ती है। सिमिलरली इन द सेम वे, यानी कि इसी तरीके से यही फॉलो करके, जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तब आपको वहाँ पर अपनी ऑर्डर प्लेस करनी पड़ती है। जो ऑर्डर आप दोगे वही ऑर्डर आपको मिलेगी, यानी कि आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, यानी कि ऐसा 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 गुण वाला पति जो है, लाइफ पार्टनर डिज़ायर्ड आपके मन में है, वह आपको चाहिए। तो वह जो सारी पॉइंट्स है वो मेंशन कीजिएगा और उस हिसाब से आप मांग लीजिएगा, और मांगते समय एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा कि वह चीज़ तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए, यानी कि वह होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में, नाइदर पास्ट टेंस नॉर फ्यूचर टेंस। ऐसा नहीं कि मुझे मिला था, मुझे मिलने वाला है, या मुझे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। इट शुड बी ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस, एंड कि मुझे ऑलरेडी, मेरे पास है, वो है, प्रेजेंट टेंस। इस भावना से आपको मांगना पड़ेगा कि जो जो पॉइंट से क्लियर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी एग्जांपल किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पर जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, सोचे जाए जैसे मुझे पसंद है मसाला डोसा, तो अगर मैं ऑर्डर प्लेस करूँगी मसाला डोसा की, तो मुझे मसाला डोसा ही मिलेगा। अगर मैं ऑर्डर प्लेस करूँगी किसी और चीज़ की, पाव भाजी की लीजिए, पूरी भाजी की लीजिए, या जो भी आपके मन में है, वो जैसी आपकी चॉइस है वह, उस हिसाब से आपको ऑर्डर मिलेगी। अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे पाव भाजी की, तो थोड़ी ना वे लोग पूरी भाजी लेके आएंगे,
दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी मच क्लियर माई डियर फ्रेंड्स. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर रहनी चाहिए, तभी जाकर यह सीक्रेट अपना काम शुरू करना शुरू कर देता है. तो बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर कि आपको क्या चाहिए. यह सिर्फ एक डिजायर्ड लाइफ पार्टनर का ही सवाल नहीं है, बल्कि आपके जीवन में जो जो अच्छा कुछ चाहिए वह आपको इसी तरीके से मांगना पड़ेगा. और एक बात मैं यहाँ पर एड अप करना चाहती हूँ, जो भी आपके गलत विचारधाराएं हैं यहाँ पर काम नहीं करने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा कभी मत कहेगा कि किसी और का पार्टनर आपको चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो दैट वर्क्स. और यह वर्क होता भी नहीं है, क्योंकि वह एक नेगेटिव एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके नेबर ने एक बहुत ही अच्छी कार ली है, उसने अपना नंबर प्लेट तो कार पर ऑलरेडी डाल चुका होगा, तो आप यह नहीं मांग सकते कि वह कार आपको चाहिए. अरे किसी और के नंबर प्लेट की कार आपको वाला कैसे मिल सकती है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक इन योर थॉट्स एंड एक्शंस. तो आपको क्या करना है, आपको वैसी टाइप वैसी मॉडल की कार चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना मॉडल लिखिएगा. ऐसा मत लिखिएगा कि उसकी कार चाहिए, उसकी कार आपको नहीं मिल सकती है दोस्तों. बिकॉज देखिए क्या होता है, हमारी जो भावनाएं हमारे विचार जो होते हैं वो भी पवित्र होने चाहिए, वो भी सुंदर होने चाहिए, तभी जाकर ईश्वर हमारी मदद करते हैं. इसलिए कर्म अच्छे करो तो सब कुछ अच्छा होता है दोस्तों. तो आपको पवित्र भावनाओं से ये सारी चीज़ें मांगनी पड़ेंगी. आपको एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए, जो भी क्वालिटीज़ है लिखिएगा, वही मांगिएगा और बिलीव कीजिएगा कि वह आपको ऑलरेडी मिला है अभी. ओके, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, यानी कि आस्क, यानी कि मांगिए. दूसरा है बिलीव करना. अभी यहाँ पर आता है बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको यकीन नहीं होता है, वो बिलीव करने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, सोचते हैं, डाउट करते हैं, देन दिस फार्मूला, दिस सीक्रेट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन एनी वेज, यानी कि यह काम करने वाला नहीं है बिल्कुल भी. आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जब छोटे से बच्चे को अपने माँ बाप ऐसे उछालते हैं ना स्काई में और वापस पकड़ते हैं, तब वह बच्चा रोता नहीं है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैक्सिमम टाइम्स वह रोता नहीं है बल्कि वह हंसता है. क्यों हंसता है, एक्चुअली उसे तो डरना चाहिए, अरे कहीं ये मेरे माँ बाप मुझे गिरा ना दे नीचे करके, लेकिन वह हंसता है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उसके माँ बाप उसको कैच करेंगे वापस. जी हाँ दोस्तों, इसी यकीन के साथ आपको बिलीव करना है, यानी कि लिखा आपने, आपने मांगा, आपने बिलीव भी किया कि आपको ऑलरेडी वह मिल चुका है, तब सारा कुछ आसान हो जाता है. जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन करना पड़ेगा, आपके ईश्वर पे यकीन करना पड़ेगा, अपने आप पर यकीन करना पड़ेगा, और यह बिलीव, यह इंजॉय करके फीलिंग के साथ रहना पड़ेगा, हंसते खेलते रहना पड़ेगा कि वह आपको ऑलरेडी मिल चुका है. एंड देन द मैजिक स्टार्ट्स. द थर्ड स्टेप आस्क, बिलीव हुआ. फर्स्ट स्टेप आस्क हुआ, सेकेंड स्टेप बिलीव हुआ, थर्ड स्टेप इज रिसीव. अभी रेडी हो जाइए, रेडी हो जाए पाने के लिए जो भी आपने मांगा है. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द, जितना पक्का आपका विश्वास विदाउट एनी डाउट होगा, उतनी ही जल्दी आपको अपना रिजल्ट नज़र आएगा. आपकी लाइफ बन जाएगी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल. यकीन नहीं आता तो करके देखिए. बहुत जल्द वह वीडियो भी मैं शेयर करूँगी जिसमें मैं मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाउ आई मैनिफेस्टेड माई डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर, उसके बारे में भी मैं बहुत जल्द बताने वाली हूँ. तो बने रहिएगा इस चैनल पे और जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल पर, देखिएगा सारी की सारी वीडियोस, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिल जाए आप लोगों को, और भी ज़्यादा ऐसी वाली वीडियोस मैं शूट कर सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आप लोगों का इंस्पिरेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाए. तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्द हम मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे सुंदर नेक्स्ट वाले वीडियो में. तो तब तक के लिए अगेन आई एम विशिंग यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स अ वेरी 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 हैप्पी रोज डे. आप खुश रहें हमेशा, आनंदित रहें हमेशा, अपना ख्याल रखेगा हमेशा. तो बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाले सुंदर से वीडियो में. अपना ख्याल रखेगा और मुझे भी बहुत बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे चैनल को भी बहुत अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा, और इस चैनल की सुंदर सी फैमिली बनिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग इन्जॉय कर पाएँ अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी मज़ेदार बातें और इंस्पिरेशन से भरी हुई बातें, और आप लोग भी इन्जॉय कर सकें अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से, और आपकी लाइफ भी हो जाएगी बाद में और ज़्यादा ब्यूटीफुल. क्योंकि जब हम अच्छा देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और विचार रखते हैं, तब हमारी लाइफ और भी ज़्यादा सुंदर बन जाती है. तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और माय डियर फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल, बाय.